तो यार, जब भी हम अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को क्रिएट करते हैं तो उसे अपने फेसबुक से लिंक कर देते हैं, जिससे कि हमें प्रॉब्लम तब होती है जब हमें फेसबुक पर अलग प्रोफाइल चाहिए होती है और इंस्टाग्राम पर अलग प्रोफाइल चाहिए होती है। लेकिन होता क्या है कि वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाती है, जो भी प्रोफाइल आपके इंस्टाग्राम पर लगी होगी वो ऑटोमेटिकली फेसबुक पर भी लग जाती है। और अगर आप मैनुअली भी अपनी फेसबुक प्रोफाइल को चेंज करते हैं तब भी आपकी वो ऑटोमेटिकली वही प्रोफाइल लग जाती है जो कि आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट पर या फिर पेज पर लगी होती है। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके फेसबुक अकाउंट की प्रोफाइल अलग रहे और इंस्टाग्राम के अकाउंट की प्रोफाइल अलग रहे, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। किस तरीके से आपको हटाना है तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए अब मैं आपको फटाफट से प्रोसेस बता देता हूं कि किस तरीके से आपको इसे हटाना है। तो चलिए अब मैं आपको फटाफट से बता देता हूं कि किस तरीके से आपको इसे अपने फ़ोन में अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम में जाना पड़ेगा। तो हम अपने इंस्टाग्राम में चलते हैं। इंस्टाग्राम में आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट दिखेंगे, उस पर भी क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे के साइड पर अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, सॉरी सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको और कहीं पर नहीं जाना है, यहाँ पर कोई भी आपको सेटिंग्स नहीं छेड़नी है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे साइड पर आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, देखिए शेयरिंग टू अदर ऐप्स, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके जितने भी सोशल मीडिया यहाँ पर लिंक होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर दिखा दिए जाएंगे। तो सिंपली आपको फेसबुक पे क्लिक करना है, क्योंकि आपकी फेसबुक की प्रोफाइल चेंज होती है ना, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये वाले ऑप्शन नहीं छेड़ने हैं, क्योंकि ये स्टोरी वगैरह तो आप ऑटोमेटिकली पोस्ट करेंगे अपने फेसबुक पर। और अगर आप यहाँ पर भी नहीं करना चाहते तो आप इन्हें भी ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पोस्ट, रील्स और स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ फेसबुक पर, तो मैंने यहाँ पर इन्हें ऑन करके रखा है। लेकिन आप इन्हें ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ पोस्ट ऐसी भी होती हैं जो कि आप अपने फेसबुक पर नहीं दिखाना चाहेंगे, ऑब्वियसली कुछ पर्सनल होती हैं। तो हाँ, अब हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं कि किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को सिंक होने से बचा सकते हैं। आई मीन एक ही प्रोफाइल अगर आपके दोनों जगह पर लग जाती है तो आप किस तरीके से रोक पाएंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर अकाउंट सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर अकाउंट सेंटर पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। जो भी आपके अकाउंट वगैरह जो हैं अभी एग्जिस्ट करते हैं वो आपको सारे के सारे यहाँ पर दिख जाएंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या है कि जो भी आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट फेसबुक से लिंक है और वो ऑटोमेटिकली फेसबुक प्रोफाइल चेंज हो जाती है, तो वही अकाउंट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास 2 अकाउंट हैं, तो मैं इस वाले पर क्लिक करूँगा। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है जिसकी प्रोफाइल फेसबुक पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, तो आपको वो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको नीचे के साइड पे एक ऑप्शन मिलेगा सिंक प्रोफाइल इन्फो, तो अगर आप इसे ऑफ कर देते तो आपकी फेसबुक की प्रोफाइल जो है वो चेंज नहीं होगी कभी भी, और अगर आप इसे ऑन रखते हैं तो आपकी फेसबुक की प्रोफाइल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। चाहे आप बेशक फेसबुक पर जाकर मैनुअली अपनी प्रोफाइल को चेंज कर देते हैं, फिर भी आपकी प्रोफाइल चेंज हो जाएगी, जो कि आपके इंस्टाग्राम पर लगी होगी वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो सिंपली आपको इसे ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगा स्टॉप सिंकिंग, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो अब आपकी जो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल होगी वो फेसबुक से लिंक नहीं होगी। आई मीन जो भी आप इंस्टाग्राम पर अपडेट करते हैं अपनी प्रोफाइल को, तो वो फेसबुक पर अपडेट नहीं होगी कभी भी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको अपडेट मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और निकमाल फेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।